एक समय मेहरबान सिंह का पुरवा से यूपी की राजनीति को दिशा मिलती थी। 25 जुलाई 2022 को यदुकुल शिरोमणि चौधरी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने वर्चुअल भाषण की शुरुआत इन्हीं शब्दों से की। उन्होंने यह जाहिर किया कि वह चौधरी हरमोहन सिंह यादव और उनके सुपुत्र पूर्व राज्यसभा सदस्य चौधरी सुखराम सिंह यादव से खासा प्रभावित है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चौधरी हरमोहन सिंह यादव ने आपातकाल के दौरान संविधान की रक्षा के लिए अन्य दलों के साथ संघर्ष किया। अपने पिता की 10वीं पुण्यतिथि पर चौधरी सुखराम जी ने प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए आभार प्रकट किया। मैं कहना चाहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और जो आपके अंदर क्षमता है उस क्षमता का मैंने पहले प्रधानमंत्री नहीं देखा है। मेहरबान सिंह का पुरवा कानपुर में 18 अक्टूबर 1921 को जन्मे चौधरी साहब की लंबी राजनीतिक पारी हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। केवल उच्च माध्यमिक पास इस प्रभावशाली व्यक्तित्व ने यह साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प और सेवा भाव से इंसान क्या क्या नहीं कर सकता। सेवा भाव मन में लिए उन्होंने ना ही केवल यादव समाज का विकास किया अपितु संपूर्ण समाज के उन्नयन हेतु काफी सुधारक कार्य किए। शिक्षा के माध्यम से उन्होंने समाज के एक बड़े हिस्से को जागरूक किया। उनके बेटे चौधरी सुखराम सिंह ने कानपुर और इसके आसपास कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने में उनकी मदद की। यही नहीं, उन्होंने पैरा मेडिकल कॉलेज, इंटर कॉलेज, खुद की जमीन पर पार्क, बच्चों के लिए हॉस्टल, लॉ फैकल्टी और ऑडिटोरियम की भी स्थापना की। इन्हीं उपलब्ध सुविधाओं के कारण आज कानपुर के मेहरबान सिंह पुरवा की तस्वीर बदल चुकी है और वो एक शहर में परिवर्तित हो गया है। जिंदगी भर उन्होंने कुरीतियों की आलोचना की और समाज सुधारक बने रहे। चौधरी हरमोहन सिंह यादव ने हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी है और समाज के उत्थान के लिए अग्रसर रहे। इसी कड़ी में उन्होंने 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों के दौरान सिख परिवारों की जान बचाई। उनकी पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, हरमोहन सिंह यादव जी ने न केवल सिख नरसंहार के खिलाफ राजनीतिक रुख अपनाया बल्कि उन्होंने आगे आकर सिख भाइयों और बहनों की रक्षा की। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने कितने ही सिख परिवारों की मासूमों की जान बचाई। देश ने भी उनके इस नेतृत्व को पहचाना, उन्हें शौर्य चक्र दिया गया। सामाजिक जीवन में हरमोहन सिंह यादव जी ने जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया वो अतुलनीय है। चौधरी हरमोहन सिंह यादव समाजवादी पार्टी के एक सक्रिय राजनेता थे। अपनी 6 दशक की राजनीतिक जीवन में उन्होंने ग्राम सभा से लेकर राज्यसभा तक का कठिन सफर कड़ी मेहनत और लगन से तय किया। उन्होंने MLC, विधायक, राज्यसभा सदस्य और अखिल भारतीय यादव महासभा के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न पदों का कार्यभार संभाला। वे कई बार अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए और इसी दौरान उन्होंने एक प्रगतिशील नागरिक होने के नाते काफी सुधार कार्य किए। उन्हीं की अध्यक्षता में 18 राज्यों में अखिल भारतीय यादव महासभा के कार्यालय बने। 1991 में पहली बार वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने गए और कई संसद समितियों के सदस्य बने। वर्ष 1997 में उन्हें दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमन द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया।
चौधरी साहब ने इस पद को 6 साल तक संभाला, लेकिन वे कुल 12 साल तक राज्यसभा के सदस्य रहे। चौधरी हरमोहन सिंह यादव के चौधरी चरण सिंह और राम मनोहर लोहिया के साथ घनिष्ठ संबंध थे। प्रधानमंत्री जी ने उनके पुण्यतिथि पर कहा, लोहिया जी की समाजवाद और लोहियावाद से प्रभावित चौधरी साहब ने समाज को बदलने का प्रयत्न किया। उन्होंने ही चौधरी चरण सिंह के शिक्षावाद को आगे बढ़ाया। राजनीति के इस शिखर तक पहुंचकर भी हरमोहन सिंह जी की प्राथमिकता समाज ही रहा। उन्होंने समाज के लिए सक्षम नेतृत्व तैयार करने के लिए काम किया। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाया, लोहिया जी के संकल्पों को आगे बढ़ाया। वहीं चौधरी साहब और उनके बेटे चौधरी सुखराम सिंह ने यह साबित कर दिया कि राजनीति का मुख्य ध्येय समाज की प्रगति करना होता है। राजनीति के माध्यम से अपने समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए वह बिना निजी हित के जुटे रहे, यह धरातल पर दिखता भी है। चौधरी साहब की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने देश भर के कई राज्यों से अखिल भारतीय यादव महासभा के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का इस कार्यक्रम में शामिल होने पर खुशी तो जाहिर की ही, साथ ही मोहित यादव का भी उत्साह वर्धन किया। आज चौधरी हरमोहन सिंह जी की याद में, उनकी स्मृति में माननीय मोदी जी पूरे राष्ट्र को एकजुट करके उसमें यदुवंश का जो यादव समाज है उसकी पूरी सहभागिता के साथ जोरदार तरीके से उत्तर प्रदेश को मजबूत करने में, उस देश को, राष्ट्र को मजबूत करने में उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके, सब मिलकर एकजुट होकर इस देश के निर्माण में अपना महती योगदान दे सके, उसकी नींव शिला, आधारशिला आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं समझता हूँ हो गई। और उसका नेतृत्व करने वाला कोई अगर होगा तो आज ये छोटा छोटा जो यादव वीर है, ये मोहित यादव, उस नेतृत्वकर्ता के रूप में आगे आए, इसका आज यहाँ पर शंखनाद होगा। और विशेष रूप से जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है समाज का, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम उन्होंने अभूतपूर्व किए थे, और उस शिक्षा के मंदिरों से निकले हुए बहुत सारे ऐसे छात्र जो बहुत महत्वपूर्ण पदों के ऊपर रहकर संस्कार युक्त होकर समाज की सेवा कर रहे हैं, ये एक संदेश देता है कि चौधरी हरमोहन सिंह जी का जो लगाव था समाज के प्रति वो किन ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचा है। लेट चतुर्थी हरमोहन सिंह यादव जी 10th डेथ एनिवर्सरी, आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर सुखराम जी, वेरी वेरी थैंकफुल टू कानपुर पीपल आल्सो, आपके परिवार के फैमिली शुक्रिया, भगवान कृष्णा आशीर्वाद, जय श्री कृष्णा, नमस्ते। ये जो मोहित यादव जी हैं, युवा के कर्णधार हैं, और नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ मिलता जुलता इनका चरित्र है। बचपन से इनको मैं जानता हूँ, जब पैदा लिए थे तब, और चौधरी साहब का, चौधरी परिवार भर का जो है ये दुलारुआ रहे हैं। मोहित यादव जी एक युवा नेता है के लिए लिया है, और उनने उस पर अगर बीजेपी लिया तो मैं उनके बहुत बहुत करवध निवेदन करता हूँ, आभारी हूँ। और ये लगा, और आगे के टाइम मोहित जी को हर जगह से कहीं ना कहीं, और उनको अच्छा कहीं से इसका बीजेपी से टिकट दिया जाए, जीतेंगे। नहीं, वो बहुत युवा नेता हैं, अच्छा उनका सोच है, अच्छे आगे जाएंगे, और हम लोगों की कामना उनके साथ है। जो मोहित चौधरी जी जो उस क्रम को जो है, बाबूजी के क्रम को जो है पूरा कर रहे हैं, उसके आगे जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि वो शिखर तक और बहुत अच्छी ऊंचाइयाँ छुए। और मैंने ये देखा है मोहित में, वही तो दादाजी और जो उनके पिताजी, वही उसको, उसी पीढ़ी को उसको लेके आगे चल रहे हैं। खास ये कि उनके पहले तो उनके पुत्र ने, यशस्वी पुत्र हैं चौधरी सुखराम सिंह यादव जी, उन्होंने उनके काम को और उनके नाम को एक नया आयाम दिया,
और अब चौधरी साहब के जो परपोत्र हैं चौधरी मोहित यादव, वो उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं कि चौधरी मोहित यादव ने एक जो इतनी छोटी सी कम उम्र में जो एक नया एक ये मंजिल हासिल की है कि अपने एक इस प्रोग्राम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को जो उन्होंने न्योता दिया। अब यदुकुल की नई उम्मीद बनकर चौधरी हरमोहन सिंह यादव के पौत्र युवा नेता मोहित यादव उनके जलाए हुए मशाल को आगे बखूबी बढ़ा रही है। वे युवाओं के प्रिय हैं, शिक्षा और तकनीक की बदौलत समाज को नई दिशा की ओर ले जा रही है। वर्तमान में वह चौधरी हरमोहन सिंह जन कल्याण समिति के अध्यक्ष और चौधरी हरमोहन सिंह एजुकेशन सेंटर के प्रबंध निदेशक हैं। लंदन से MBA पूरी करने के बाद मोहित यादव चाहते तो अपनी पत्नी श्रीमती शिवांगी यादव के साथ एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दादाजी के समाज के उत्थान के सपने को पूरा करना जरूरी समझा। अपने दादा और पिता से प्रभावित होकर मोहित ने राजनीति में कदम रखा। मोहित को यह बात पता थी कि इस समय यादव समाज अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। उनके हित की बात करने वाले सारे नेता अपने ही हित की सोच रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के राष्ट्रवाद और विकासवाद से प्रभावित होकर और चौधरी हरमोहन सिंह यादव के सजाए प्रगतिशील समाज के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए युवा नेता मोहित यादव ने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। शौर्य चक्र विभूषित यदुकुल शिरोमणि पूर्व सांसद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आधुनिक विश्व के महानायक सनातन संस्कृति के महायोद्धा उन्नत भारत के निर्माता हम सब के जन जन के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाजपा में शामिल होने के निर्णय के बारे में उनके पिता चौधरी सुखराम सिंह ने अपने बेटे की पार्टी के प्रति निष्ठा प्रकट की और अपनी बेटी के स्वर्णिम भविष्य की कामना भी की। मैं आपकी भूरू प्रशंसा करता हूं और चाहता हूं कि लड़का मोहित आपको मैंने सौंप दिया है, इस लड़के का आपको देखना है, आपको समझाना है, जो चाहे आप करें आप पर पूरा निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री यह मानते हैं कि मोहित यादव एक ऊर्जावान आशावादी शिक्षावादी और विकासवादी युवा नेता है जो युवाओं के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने मोहित यादव को अपना छोटा भाई बताया है, तो क्या प्रधानमंत्री जी मोहित को BJP का सारथी बनाएंगे?